बताते हैं कि उनको ना हाई क्वालिटी का काम करना होता है या काफी प्रोफेशनल है, उनको सेपरेटर अच्छे क्वालिटी का चाहिए। मार्केट में जो सेपरेटर आती है 1500, 1800, 2000, 2200 की आती है, लेकिन हम आज आपको एक सेपरेटर की बात करेंगे जो आपको 3200 रुपए की आती है। लेकिन इसमें खासियत क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे, और भी वीडियो इसकी बनी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ना आपके काम को प्रोफेशनल ढंग से लुक देती है और अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि अनफ्रेमिंग का बहुत सारा समस्या आता है, चाहे आईफोन हो, एज हो, अभी देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अनफ्रेमिंग, जबकि हम आपको करके दिखाएंगे इसी सेपरेटर से। इसकी जो क्वालिटी है, एक्यूरेसी है, जो इसका गर्म होने का क्षमता है या फिर जो वैक्यूम का जो पावर है वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि अनफ्रेमिंग कैसे हम कर सकते हैं और उन चीजों को देखेंगे, और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता भी चलेगा हमारी जो सेपरेटर है वो कैसी है, किस क्वालिटी की है, और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। हम एस10 प्लस की फ्रेम में से रिमूव करके दिखाएंगे एलसीडी रिमूव कैसे होती है। ये हमारा लिक्विड है 955 जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम हर जगह लिक्विड डालेंगे अपना थोड़ा थोड़ा, जैसे आप ये देख रहे हो जो हमारे ओसी पेपर की शीट होती है, जैसे आपने देखा होगा ओसी पेपर की शीट है हमारी। अब इसे हम रिमूव करेंगे, ये साइडों में देख रहे हो हल्का हल्का, और डालेंगे। जैसे हमारा कार्ड आ चुका हर जगह से, पहले इसकी ऐसे ऐसे करके हम ग्लू काट लेंगे इसे, आप ये देख रहे हो। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हमारा कार्ड खराब हो जाता है, दूसरा कार्ड ले लेते अपना। बिल्कुल ही आराम आराम से काम करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल ही आराम आराम से काम करना है। थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाल देते हैं। हल्का लिक्विड और डालते रहो, ध्यान दीजिए जो पन्नी होती है उस पन्नी को हम हटा लें, क्या होगा इसके नीचे भी लिक्विड होगा और जा नहीं पाएगा, इस कारण हमारी एलसीडी में उस टाइम पर हम निकलेगी। बिल्कुल आराम आराम साथ चलाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपको। लिक्विड बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना, नॉर्मली ज्यादा डालना है। हमारी टेपिंग आ जाती है, टेपिंग को आराम आराम से खींच सकते हो। उससे क्या होगा, टेपिंग खींचने से जो साइडों में ग्लू होगी वो तो जल्दी निकल जाएगी। यहाँ आते ही हमें रुक जाना है, क्योंकि हमारा पता है यहाँ हमेशा ही नया कार्ड इस्तेमाल करना है। ये चीज का ध्यान रखना, हमेशा ही नया कार्ड इस्तेमाल करना और पतला कार्ड इस्तेमाल करना है। जितना पतला कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेटर रहेगा, और जितना मोटा कार्ड इस्तेमाल करेंगे उसमें हमारा एलसीडी ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। जैसे आप ये देख लो, हम ध्यान से देखना यहाँ कट है
हम पत्ते के नीचे से लेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल, देख रहे हो आपसे पत्ते से नीचे नहीं जाता। फिर आप ऐसा करिए एलसीडी में लिक्विड डालिए और यूं हल्का हल्का उठाते रहिए एलसीडी को। ध्यान दीजिए पत्ते का, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल ही आराम आराम से कार चलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। पत्ते के नीचे से ले चुके हैं, ध्यान से देख ही लो आप, देख लो ये देख लो, एलसीडी निकाल चुके हैं अपने, हमारी एलसीडी प्रॉपर निकल चुकी है, देख रहे हो आप। इसके साइडों में टेपिंग है वो हम हटा देते हैं। अब इसके हम फ्रेम में से कैसे रिमूव करते हैं वो चीज आपको बताएंगे। तो पहले हमने साफ कर ली थी ये वैक्यूम ऑन करके, साइडों में जो ग्रू है अब इसको हम फ्रीजर से अलग करेंगे, जो इसका ग्लास है